एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज गाइस मैंने ये स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो है मोनी रॉय इंस्पायर्ड मेकअप लुक। एंड आप इसे एज ए वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी आई मेकअप लुक होने वाला है। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में जो बेल बटन है उसे बीट कर दीजिए। सो गाइस हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर में सबसे पहले गाइज मैं टोनर अप्लाई करूंगी। इसके लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। शेक करके गाइज इसे मैं पूरे फेस पे स्प्रे करूंगी एंड देन लाइट हैंड से डैब डैब कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी गाइज मॉइस्चराइजर। इसके लिए मैंने लिया है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम। बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है गाइज, ये अंडर 100 रुपीज़ आपको मिल जाती है। थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी, बहुत ही अच्छे से मसाज करूंगी जिससे मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। मैं अप्लाई करूंगी गाइस सीरम। इसके लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। कुछ ड्रॉप्स लेके मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। अप्लाई करने से गाइस क्या होता है कि आपकी स्किन पे ना एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। एंड सेकंड, जब आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन जो है आपको वो ब्लेंड हो जाता है। सबसे पहले मैं आज अपना आई मेकअप करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रो सेट करूंगी। एंड इसके लिए मैंने ली है ये हिलेरी रोडा की आईब्रो पैलेट। मेरे बेटे ने आज ही अभी तोड़ी है। सो इसका एक जो शेड है वो ब्लैकिश शेड था, डार्केस्ट ब्राउन शेड था, वो टूट चुका है इसमें से। सो मेरे पास एक ये लाइट शेड दो लाइट शेड से बचे हुए थे। सो आज मैं इससे अपने आईब्रो सेट करने वाली हूँ। आईब्रो सेट करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अपनी आईब्रोज को शार्प लुक देने के लिए। एंड इसके लिए मैंने लिया है मैबेलिन फिटमी का कंसीलर एंड इसका जो शेड है इट्स 10 लाइट। कंसीलर गाइस मैं अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर लूंगी एज अ बेस एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। एंड देन मैं इसे लूज पाउडर की हेल्प से मैं इसे सेट कर लूंगी। लूज पाउडर गाइस मैंने यहाँ पे पिक किया है स्विस ब्यूटी का। बट गाइस यहाँ पे मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है शुगर का काजल एंड इसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूंगी अच्छे से। देन एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें काजल जो ब्लेंड करना है वो हमें क्रीज से नीचे रखना है, क्रीज से ऊपर नहीं जाना ना क्रीज तक जाना है, क्रीज से नीचे नीचे ही रखना है। क्योंकि जब आप इसे आई शेडो के साथ ब्लेंड करेंगे सो ये क्रीज तक पहुंच जाएगा एंड बहुत ही अच्छा लुक देगी। तो मैंने काजल अपना अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। एंड इसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड पिक किया है जो मैं अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। जो मैंने काजल अप्लाई किया है उसके साथ इसे ब्लेंड कर लूंगी ताकि काजल की जो शार्प लाइन है वो नजर ना आए। एंड इसके बाद मैंने एक लाइट शेड पिक किया एज अ ट्रांजिशन शेड एंड उसे मैं अपनी अपर क्रीज पे अप्लाई करूंगी। गाइस गिव अवे का फर्स्ट विनर है वो है दलजीत कौर, कांग्रेचुलेशन दलजीत। गाइस यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये है नायका का मस्कारा। इसमें आपको दो तीन शेड्स मिलते हैं, मे बी येलो ग्रीन, एंड ये जो मस्कारा है ये है लेंथिंग मस्कारा। गाइस यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी अपने फेस पे एंड इसके लिए मैंने लिया है NYBA का ये प्राइमर। एंड इसमें ये ऑरेंज शेड है, ऑरेंज शेड जो आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह करेक्ट कर देता है। सो एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे प्राइमर, मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज किया है। गाइज यहाँ पे मैं एक और प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ एंड ये है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर। मीन्स ऐसा कोई पर्पस नहीं था इसे यूज़ करने का, बट ये जो मेरा फाउंडेशन का जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क है तो इस वजह से मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। एंड ये एक आपका फेस को हाइलाइटिंग का भी काम करता है, ड्यूई इफेक्ट देता है। सो एंड यहाँ पे मैंने फाउंडेशन पिक किया है मैबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। यहाँ पे मैंने प्राइमर की थोड़ी सी क्वांटिटी ली है एंड फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी एंड देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। नेक एरिया को स्किप नहीं करना है, नेक एंड ईयर पे अपने फाउंडेशन जरूर अप्लाई करना है। गाइस यहाँ पे मैं सेम कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, मैबेलिन फिटमी का कंसीलर। इस बार मैं सेकेंड और थर्ड गिव अवे विनर जो है वो मैं अनाउंस नहीं कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक या दो रेफर किया है एंड ये मेरे लिए बड़ा टफ हो गया। मीन्स रेंडमली पिक करना मुझे नहीं लगता कि सबके साथ ये फेयर डिसीजन होगा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी मैं नेक्स्ट गिव अवे जो मैं अनाउंस करूँ उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं अपने फेस को कॉन्टो करूँगी एंड इसके लिए मैंने ली है ये इनसाइड के कंसीलर पैलेट। इसमें आपको एक बहुत अच्छा शेड मिल जाता है कॉन्टो के लिए एंड मैं उसी से फेस को अपने कॉन्टो कर लूँगी, अपने चिक बोन को, अपने नोज को, फोरहेड को, चिक बोन को। बाद गाइस यहाँ पे मैं ब्लशर अप्लाई करूँ, इसके लिए मैंने लिपस्टिक पिक की है, ये है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक। ब्लशर अप्लाई करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं लूज पाउडर अप्लाई करूँगी एंड इसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर। एंड देन मैं अपना मेकअप फिक्स कर लूँगी, इसके लिए मैंने लिया सेटिंग स्प्रे NYBA का। ये भी मेरा न्यू परचेज है, बहुत अच्छा है बट इसका जो फ्रेगनेंस है वो मुझे बहुत परफ्यूम टाइप लगा।
इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैंने ली है स्विस ब्यूटी की हाईलाइटर पैलेट एंड इसमें से ये एक ब्राउनी शेड लेके मैं इसे अपने चिक बोन्स पे, नोज पॉइंट पे, जो हाई पॉइंट एरिया है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं काजल अप्लाई करूँगी, सेम शुगर का काजल लूँगी मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करने के लिए। एंड देन जो मैंने एक डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया था, सेम डार्क ब्राउन शेड की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने दो लिपस्टिक पिक की है, माई ग्लैम एंड NYB। दो लिपस्टिक मैंने इसलिए पिक की है क्योंकि मेरे पास इस शेड में कुछ ऐसा लिप लाइनर नहीं था। जो माई ग्लैम की लिपस्टिक है उसी से मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी एंड देन जो NYB की लिपस्टिक है उससे मैं फिल कर लूँगी। वेली गाइस जो मैंने वेयर की है ये मैंने परचेज की थी मीशो से एंड दिस इज माई फाइनल लुक। सो गाइज आज के वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।